हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। 60 की बात है आपका, 60 तक हो गया था, यहाँ तो 60 की बात चलते हैं। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28 से लेकर 31 तक का आप लोगों का पेपर है, उसमें इन्वायरमेंट का सिलेबस दिया है तो उसमें पूछेगा जरूर, ये जान लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो पर्याप्त है आपका, 200 MCQ है इसमें पूरे के पूरे, इसमें से कहीं से भी फंसेगा क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक, चलिए इससे पहले अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, कुछ NTPC से यदि एग्जाम डाले हैं तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आ गई है, देख लीजिए उस पर क्या है, जरूर नीचे वीडियो है, 2 या 3 मिनट का वीडियो, वो छोटा वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसे। 61 का है कि निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक कौन सा है, तो निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक कौन सा है यदि बात किया जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, तो 61 का नंबर आ जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन है, राइजोबियम भी है, एजोटो बैक्टीरिया बैक्टर भी है, सहजीवी संबंध है दोनों तीनों सभी सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, जैविक खेती के क्या फायदे हैं, जैविक खेती के फायदे बस पूछा जा रहा है इसमें, तो क्या फायदे हैं आपका, यह किफायती होती है, यह किफायती होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है, ये पूछा जाए इसमें कौन सा तत्व तो होता पाया जाता है, कहता है कॉपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि लेड की बात किया जाए कहाँ पाया जाता है, तो जो ऑटो मोटर वाहन चलते हैं इसके जो धुओं से निकलता है इसमें लेड पाया जाता है, लेड सीसा पीवी। ठीक, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है यदि बात किया जाए, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे आपके, रसेल कार्सन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पिंड या उल्का हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है, टाइटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है, तो किसमें पिरामिड उल्टा होता है आपके बात की जाए, तो किसमें, परजीवी खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कार्बन लेवी क्या है, तो कार्बन लेवी क्या है बात की जाए तो यह कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर है, कार्बन लेवी। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है, तो कितना प्रतिशत भाग आता है, यह आता है 5% भाग। शेयर कर दीजिए एक बार प्लीज़, ज़रूर से आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए कि जिनका जिनका भी पेपर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है, तो किसका है आपका तेल, यह पोंगामिया पिन्नाता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, क्या यह जो समुदाय रिजर्व, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, जीव मंडल रिजर्व, वन्य जीव, पर्यावरण संरक्षण संबंधित विभिन्न विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है, इसमें से कौन सा भारत में तय किया गया यदि बात की जाए तो कौन सा तय किया गया है भारत में, ये आपका है केवल वन, समुदाय रिजर्व। ठीक है, समुदाय रिजर्व। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल है, इसके बाद राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इसमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर योजना में क्या शामिल किया गया था, इन दोनों पॉइंटों में से, तो इसमें क्या शामिल किया गया था, पहला नहीं शामिल किया गया था, केवल दूसरा शामिल किया गया था, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन आपका शामिल किया गया था उन्हें। आईसी टारगेट किससे संबंधित है, तो आईसी टारगेट किससे संबंधित है बात की जाए तो किससे, नागोया प्रोटोकॉल से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वाला। चलिए नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है, इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया या अंतिम उत्पाद है, इसमें से कौन सी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है, यह आपका जिप्सम। ठीक है, अम्लीय वर्षा ताजमहल को भी नुकसान कर, मतलब कर रही है, उसके रंग को क्षरण कर रही है, उसके रंग को। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य किन तीन प्रदेशों में है, तो किसमें है आपका, यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, जापान की निम्नलिखित दो बीमारियों पर ध्यान दीजिए, तो कौन सा है दो दो बीमारी जापान का, ये आपका पारा और कैडमियम। ठीक है, फैलने की दो बीमारियां हैं, कौन कौन, पारा और कैडमियम, मिनामाता जो है आपका पारा से और इटाई टाई किससे, कैडमियम से, इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, इसमें से कौन हो जाएगा आपका। पहला है जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार भारत सरकार जैव विविधता धरोहरों का विकास करेगी। इसके बाद दूसरा क्या है, स्वदेशी इलाज करने वाले वैद्य और हकीमों को जैव विविधता क्षेत्रों में से संसाधनों का उपयोग करने के पहले अनुमति लेनी होगी। और तीसरा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधन से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, केवल एकमात्र सही है इसमें क्या, सी तीसरा वाला। क्या है, सी तीसरा, ये दोनों गलत हैं, पहला दूसरा। नेक्स्ट है आपका कि वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब से हुई। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब से हुई, जैसे 1971 से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि केवल सीबीएसई के लिए, सभी एग्जामों के लिए जितने भी हैं एग्जाम, वो आपके इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट छांट के लाया गया है। 200 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है। तो इसमें कितनी हो सकती है अधिकतम ध्वनि सीमा, ये हो सकती है आपकी 55 डेसिबल। ठीक है, चलिए, बिलगिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। तो किस प्रदेश में, आपका कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक पिरामिड केंद्र व्यापक हैं। तो कौन सी संख्याओं के पिरामिड व्यापक हैं आपके, ये हैं वन पारिस्थितिकी, वन पारिस्थितिकी। चलिए, ज़्यादा समय नहीं इसीलिए इसमें 20 क्वेश्चन इन्हें रख के 40+ क्वेश्चन रख दिया जा रहा है, कि ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, वन्यजीव क्षेत्रों, रिजर्व और प्रोटेक्टेड क्षेत्रों में मनुष्यों का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। दूसरा क्या है, वन्यजीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परिसीमन नहीं है। इसमें से कौन है आपका सत्य है, यदि बात की जाए तो इसमें कौन सा है, कोई नहीं सत्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहली की बात की जाए यदि, तो कहाँ हुआ था यह, तो ये आपका पहला जो हुआ था इसको वियना में हुआ था। कहाँ पे, वियना में। और 82 था ना यहाँ पे, सॉरी 82 का कोई नहीं, यहाँ पे एक होगा, वन, केवल वन होगा आपका। वन्यजीव क्षेत्रों रिजर्व प्रोटेक्टेड क्षेत्रों में मनुष्यों का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है, एकदम ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये बताया था अभी, वियना में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई थी, किन जंगलों में हुई थी, ये थी पलामू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आपका पिट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, यदि बात की जाए तो पिट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपका है डी, लक्षद्वीप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को, सभी लोग पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आपका केरल में है। ठीक है, फूलों की घाटी की बात की जाए कहाँ है, उत्तराखंड में है, इंपॉर्टेंट है वो भी। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये है आपका ए, केरल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, IUCN द्वारा जारी खतरे में प्रजातियों की निम्नलिखित लिस्ट पर ध्यान दो। इसमें कौन कौन है, VUENCR और EW, बस इसको आप देख लीजिए, इनमें से खतरे के बढ़ते क्रम में प्रजातियों को रखा गया है। तो प्रजातियों का एक जो आपका डाइवर्सन है, कि ग्रुप बना दिया गया है कि कौन सी खतरे में ज़्यादा है, कौन सी कम है, तो उसमें जो है क्रम वाइज रखना है आपका, बढ़ते क्रम में। तो कौन सा हो जाएगा आपका, 89 का हो जाएगा आपका सी नंबर, एकदम क्रम सही है। पहले सबसे जो VU के जो भी सीरीज के हैं, श्रृंखला के, पहले सबसे वो हैं आपके कम हैं, इसके बाद उससे ज़्यादा हैं EN वाले खतरे में, और उससे ज़्यादा हैं आपके CR वाले खतरे में, इसके ज़्यादा भी हैं EW वाले खतरे में हैं, ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसमें बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली है। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, वर्ल्ड बैंक ने, किसने लिए, वर्ल्ड बैंक ने। चलिए नेक्स्ट है, तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। इसमें से क्या है, देख लीजिए, भारत में 1991 में CRZ अधिसूचना में तटीय क्षेत्र उच्च ज्वार पर आधारित थे।
दूसरा है 2004 के स्वामीनाथन रिपोर्ट पर। इस बात का रिव्यू करने के लिए लिथी की उच्च ज्वार लाइन सर्वोच्च अभ्यास नहीं है और कम वैज्ञानिक हैं इसके लिए, ठीक है। तो तीसरा क्या कह रहा है कि CRZ अधिसूचना 2011 STL की बजाय तटस्थ किनारे पर निर्भरता रेखा की सीमा तय करेगी। तो ये बताइए इसमें क्या आपका कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है, कौन सा सही हो जाएगा आपका। एक सेकेंड देखिए, आपका सही हो गया 1 और 2, थर्ड वाला गलत है, 1 और 2 सही है, थर्ड वाला नहीं सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जेट्रोफा कर्कश कहाँ पाए जाते हैं। जी जेट्रोफा कर्कश की बात की जाए तो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मध्य अमेरिका में, ठीक है, मध्य अमेरिका में। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर गया, टेलीग्राम पे जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, जुड़ जाइए, उसी पर सभी PDF वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। CBSE से रिलेटेड हो या तो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड हो या तो इसी का इन्वायरमेंट का हो, पूरा का पूरा वहाँ पर PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। जेट्रोफा कर्कश कहाँ पाए जाते हैं, इसी बात किया जाए तो जेट्रोफा कर्कश कहाँ पाए जाते हैं, मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट है महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन्य जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की थी, तो किस उद्देश्य के लिए की थी सिफारिश, ये की थी बी, आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण नेका, ठीक है, स्थापित करने के लिए। आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, आयरन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, आपका एक क्या है इसमें से क्या जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन की सहायक है, कौन सा इसमें सहायक है, जिसमें है पहला और दूसरा आयरन और मॉलिब्डेनम, ठीक है, नाइट्रेट के फिक्सेशन में। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, इनमें से कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है, तो कौन से इसमें धरती में ओजोन बनाने में सहायक है, तो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेथेन। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण ग्रहण भले से है लेकिन ओजोन बनाने में सहायक नहीं है, कौन कौन है ओजोन बनाने में सहायक, आपका नाइट्रोजन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेथेन है। चलिए नेक्स्ट है आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है, यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है, यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है, K40 से, किसे, K40 से, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कई बार अपर एग्जाम में भी आता है, PCS के भी एग्जामों में। किस प्रदेश में विश्व धरोहर में टाइगर रिजर्व हैं, किसमें है आपके, यह है असम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, NTCA की घोषणा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में संशोधन के बाद हुआ था, इसमें से कौन जाएगा, ये तो दोनों सही एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 100 क्वेश्चन का एक और सीरीज आ जाएगी, पूरा कवर हो जाएगा 200 जितना कहा था मैं, और उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 बार वीडियो देख लेंगे तो पूरा पूरा कवर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट है आपका कामेंग एलिफेंट रिजर्व एवं देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में स्थित हैं, तो ये किस प्रदेश में स्थित हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं और लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो, सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाला है वीडियो और जो टेस्ट नहीं जो लोग लगा रहे हैं वो जाके वहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक। और शेयर जरूर कर दीजिए, एक शिकायत लोग शेयर नहीं कर रहे हैं इसके लिए, देखिए शिकायत ये तो है शिकायत भाई, ठीक है, तो शेयर कर दीजिए।